भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC की ओर से आयोजित भारत गौरव यात्रा के तहत रामकथा यात्रा विशेष ट्रेन संचालित की जा रही है। ट्रेनों का नाम कैलाश और चित्रकूट रखा गया है। इन ट्रेन्स में 1008 भक्त देश के 12 ज्योतिर्लिंगों तक की यात्रा को पूरा करेंगे। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन के सभी पड़ाव यानी भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों पर प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बापू की राम कथा का आयोजन होगा। इसी क्रम में 25 जुलाई मंगलवार के दिन तीर्थ और पर्यटन को एक नया आयाम देने वाली इस स्पेशल ट्रेन का आगमन झारखंड के बाबा वैद्यनाथ धाम में हुआ। इस ट्रेन में यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के चेहरे पर धर्म और आस्था की चमक साफ देखी जा सकती थी। मैं किरण सिंह राठौड़ अपने हस्बैंड सुरेंद्र सिंह राठौड़ के साथ में भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और हम हमारे प्रिय परम पूजनीय मुरारी बापू के साथ में ये 18 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं, जिसमें हम 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा करते हुए वापस अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। और यहाँ हम लोग करीब 1008 से भी ऊपर हैं, 1008 यात्री तो हैं ही हैं। और जहाँ जहाँ हमारी यात्रा जा रही है इन 12 ज्योतिर्लिंगों में, वहाँ पर हमारे बापू की कथा भी है। कथा भी है, हाँ जी। मुरारी बापू जी जो है वो आप लोग के साथ ही यात्रा कर रहे हैं? हाँ, कुछ कुछ जगह पर वो हमारे साथ होते हैं और फिर कुछ जगह पर वो बाई फ्लाइट चले जाते हैं। इस मौके पर संत शिरोमणि मुरारी बापू ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से हमारा लक्ष्य भगवान राम के आदर्शों और शिक्षाओं को द्वादश ज्योतिर्लिंग के कण कण में समाहित करना है। मुरारी बापू ने कहा कि ये यात्रा देश भर के लोगों को एकजुट करेगी और यात्रियों को देश की समृद्ध विरासत से जोड़ने का काम करेगी। आपको बता दें कि द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई को केदारनाथ धाम से हुई थी। योग नगरी ऋषिकेश से ट्रेन यात्रा शुरू होने के बाद काशी विश्वनाथ होते हुए आज ये ट्रेन वैद्यनाथ धाम और मधुपुर पहुंची। भारत के 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी में इस ट्रेन का अगला पड़ाव है। 7 अगस्त को गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में आखिरी दिन की कथा के साथ ही इस मंगलमय यात्रा का समापन होगा। वैद्यनाथ धाम और मधुपुर से न्यूज़ फॉर इंडिया के लिए अनुप कुमार राय की रिपोर्ट।